बोल देते yes, और आपने उसको कॉपी कर लिया yes, और उसी को बोल दिया yes, इसलिए आप बोल रहे हो yes, बोल रहे हैं ना yes, हम लोग जानते हैं ना yes, हिंदी भी में वही किया था yes, हिंदी किसी को सुना yes, ऐसा हुआ yes, तो आपको समझ में आया भाषा कैसे सीखा जाता है yes, हम पहले क्या करते किसी को सुनते हैं कि इंग्लिश कैसे बोल रहा है और इंग्लिश कैसे बोला जाएगा और उसके बाद क्या करना है उसको कॉपी करना है क्या करना है कॉपी करना है उसको बोल लेगा करना है बोल लेगा पूरी जिंदगी वैसे ही पढ़ते रह जाएंगे हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगा समझ में आया yes, मुझे पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया कि लैंग्वेज को केवल बोला और सुना जाता है सुना और बोला जाता है ठीक है ग्रामर तो कुछ हद तक सही है पढ़ाई के लिए आपको डिग्री लेने के लिए लेकिन अगर आपको बोलना चाहते हो ठीक है यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर प्लेस इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन ठीक है कोई भी जगह कोई भी व्यक्ति के पहले सामने तो आपको क्या करना पड़ेगा सुनना पड़ेगा और बात आता है सर ऐसा कैसा पॉसिबल है ठीक है पॉसिबल है है जब आप प्रैक्टिस करोगे yes, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ना यस सर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए मैं कोई कुछ नहीं बताता एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या बताता हूँ कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट भी बैठे उनसे पूछ रहे हैं एक दिन गई है सर क्लास ठीक है तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल पार्ट्स नहीं बताऊंगा आपको इंग्लिश का कि कैसे इंग्लिश बोलना है और कैसे इंग्लिश बनाना है ठीक है ग्रामेटिकल पार्ट्स में यही जाएंगे क्योंकि ग्रामर में जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज करता है ये रूल्स मार डाला पता है कि नहीं हम टेंस पढ़ते हैं वॉइस पढ़ते हैं सभी में रूल्स आते हैं अगर आप यहाँ पे बैठे हो यहाँ पे आप बैठे हो तो अभी प्रेजेंट में बैठे हो कि कल बैठा था प्रेजेंट में बैठे हो ना अगर कल बैठे रहोगे बोलोगे मैंने कल बैठा हाँ तो उसके अनुसार आप इंग्लिश को बोलोगे अभी बैठे हो तो अभी के अनुसार इंग्लिश को बोलोगे और कल बैठोगे तो कल के अनुसार इंग्लिश को बोलेंगे और कभी गौर किया आपने जब आपने छत्तीसगढ़ी बोलना स्टार्ट किया था तो कभी छत्तीसगढ़ी को ट्रांसलेट किया था नहीं नहीं ना नहीं। हिंदी को ट्रांसलेट किया था नहीं तब हिंदी इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट हो जाते हैं होता है ना yes, कि मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता ये तो सबसे पहले भूत को भगा रहा है समझ में आ रहा है yes, कि मुझे ट्रांसलेट करना है ट्रांसलेट करना तो सभी को सिखा दूंगा अभी कभी ट्रांसलेट करके दिखा दोगे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेट का समझ में आ रहा है जो बोलने के लिए काम नहीं आता बोलने के लिए काम नहीं आता क्योंकि जब हम ट्रांसलेट सिस्टम में सीखते हैं ना तो क्या होता है पहले हिंदी का सेंटेंस माइंड पे आता है फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे फिर उसके बाद उसमें रूल्स लगाएंगे सही हुआ कि नहीं उसके बाद बोलेंगे तब तक सामने वाला टाइम ले लिया समझ रहे हैं भाषा को उन्हीं की भाषा में सीखा जाता है जैसा इंग्लिश है उन्हीं के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो इंग्लिश में कैसे सीखेंगे सबसे पहले देखते हैं इस इंग्लिश में सबसे पहले तीन हीरो आते हैं कितने तीन अरे मूवी देखे हो yes, सभी लोग देखे yes, उसमें से मैं अगर हीरो निकाल दूं तो yes, देखोगे yes, नहीं ना क्योंकि yes, जो मारने वाला वही गायब हो गया है ना दूसरा आता है उसका विलन कौन आता है विलन तो इस इंग्लिश मूवी में ना तीन हीरो हैं कितने तीन समझ में आ रहा है yes, और जब तक हीरो नहीं रहेगा मूवी का मजा नहीं आएगा समझ में आ रहा है yes, मूवी की तरह है इंग्लिश क्या है मूवी की तरह है सबसे पहले आता है तीन हीरो में से पहला हीरो जिसको हम बोलते हैं आई अरे कोई हीरो आया तो के लिए आता है ना है ना और जब कोई काम करनी हो या कुछ खाने की बात होती है सबसे पहले हम जाते हैं मुझे चाहिए मैं खाऊंगा होता है कि नहीं घर में अगर मिठाई आ गई छोटे बच्चे सबसे पहले दौड़ते जाएगा मुझे मिठाई चाहिए मैं खाऊंगा और कोई
बच्चों के लाडे लग जाते, नहीं तुमको नहीं मिलेगा, मैं खाऊंगा, होता है ना। सबसे पहले हम खुद आते हैं तो मैं को क्या बोलते हैं? आई। मैं तो क्या बोलते हैं? आई। तो मैं अकेले आया इसलिए मुझे क्या बोला गया? आई। आदमी तो पहला आदमी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? पर्सन। तो इंग्लिश का क्या होगा?